अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा होस्ट राना जवादबाज फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हाजिर है। इस वक्त मैं रिज टेक शॉप पे मौजूद हूँ। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम लो बजट से हाई बजट के लैपटॉप्स को कवर अप करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? सर मोहम्मद अली हसन। अच्छा मोहम्मद अली हसन साहब, कब से आप ये लैपटॉप्स का काम कर रहे हैं? सर मुझे 22 ईयर्स हो गए हैं कंप्यूटर फील्ड में। 22 ईयर से माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप्स के अलावा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या एक्सेसरीज जिसमें डील कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शॉप है वो हर किस्म की चीज़ में डील कर रहे हैं। आईटी से रिलेटेड हम हर चीज़ में डील करते हैं। सिस्टम्स हो गए, एलसीडीज हो गई, कीबोर्ड माउस हो गया, और सर्वर्स में हम ज़्यादा डील करते हैं, उसके अलावा लैपटॉप्स में भी करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आज की जो हम वीडियो है स्पेसिफिकली लो बजट से हाई बजट के लैपटॉप्स को कवर अप करने जा रहे हैं, तो इसमें हम बारी बारी कवर अप करेंगे। अभी आप जो है सबसे पहले हमें लो बजट में बताएंगे जो सेकंड जनरेशन से स्टार्ट। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, उसका बजट कितना, फिर उस बजट के मुताबिक हम उसको रेकमेंड करते हैं कि आपके बजट के अंदर ये वाली मशीन आएगी। तो उसमें सेकेंड जनरेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, थर्ड जनरेशन भी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट थर्ड जनरेशन से लेके सेकेंड जनरेशन से लेके और एट जनरेशन तक राइट नो अवेलेबल है हमारी शॉप में। ओके ओके, तो अभी हम मतलब मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। सेकंड जनरेशन में वो कितने तक उसके क्या स्पेक्स? सर मिनिमम जो इस वक्त आपको पता, जैसे कोविड-19 पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, ये माल सारा हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आता है, पास टाइम ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी आता है। उसमें होता ये है कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस वजह से माल यहाँ पे मूव नहीं हो रहा और ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं, प्राइसेस काफ़ी हाई जा रही हैं। हाँ काफ़ी फ़र्क तो आ चुका है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हुआ प्राइसेस में। और उसमें जो सेकंड जनरेशन इस वक्त है हमारे पास अवेलेबल है वो डेल लेटीट्यूड सीरीज़ है 6520, कोर i5 सेकंड जनरेशन है सर, 4GB रैम है, 320GB हार्ड ड्राइव है, और उसमें 512 का डेलीगेटेड ग्राफिक कार्ड भी है और 1.5GB का एक ग्राफिक कार्ड भी है, और प्रोफेशनल सीरीज़ है और 1080p स्क्रीन है उसका। अच्छा अगर वो मशीन आप हमें दिखा सकें इस वक्त, अगर हम कैमरा मैन उसको कवर अप कर सके, ये डेल की गाइज मशीन है सेकंड जनरेशन में, जो लो बजट से इनके पास सबसे जो मिनिमम बजट है वो इसमें वो ये आपको मिल रही है। सर ये प्रोफेशनल सीरीज़ है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है, जिन्होंने हल्की फुल्की गेमिंग करनी होती है, ये उनके लिए रिकमेंड होती है ये मशीन। और ये वाली मशीन तकरीबन है 31,000 की। ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इसमें ये प्रोफेशनल सीरीज़ है। वैसे तो मेरे पास थर्ड जनरेशन में भी अवेलेबल है, वो तकरीबन है 29 की है। अच्छा तो की सीरीज़ है, कोर i5 थर्ड जनरेशन है, 4GB रैम है और उसमें 320GB हार्ड ड्राइव है, 15.6 के साथ है। वो ज़रा जिन जो पेरेंट्स होते हैं कि जिनका लो बजट होता है या कम बजट वाले लोग होते हैं, वो उनके लिए रेकमेंड होती है, वो थोड़ी फैट है, वो बिल्कुल आपके सामने पड़ी हुई है। अच्छा इसको आप जरा कैमरे की तरफ कवर अप करें, लोग देख सकें इसको बैक साइड से, फ्रंट साइड से, इसकी कंडीशन कैसी है? बेसिकली स्लाइटली यूज़ होते हैं हमारी। सर ये यूज आते हैं बाहर से और ये तकरीबन 10x10 होते हैं, हमने चेक करके रखे होते हैं। मल्टी मीडिया पर बैटरीज वगैरह हमारी चेक होती हैं सारी, और गारंटी होती है हमारी 7 दिन की। बर्न एंड ब्रोक की कंप्यूटर वेंडर एसोसिएशन का लॉ है कि उसमें बर्न एंड ब्रोक की वारंटी नहीं होती जी। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम 7 दिन में उसे चेंज करके देने के मजाज होते हैं। अच्छा उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स सपोज बर्न के अलावा क्या प्रॉब्लम आप सही करके देते हैं? बस वो आजकल आपको पता बच्चे हैं, वो गेम्स वगैरह करते हैं, विंडोज करप्ट कर देते हैं, या कोई बायोस को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं कि जी जैसे कोई गेम इनकी चल जाएगी, तो वो इस तरह नहीं होता, उस वजह से मदरबोर्ड वगैरह खराब हो जाता है। अच्छा ये आपने अभी सेकंड का बताया, थर्ड का भी आपने बता दिया, 29 आपने कहा कि वो ये मशीन थी टोशिबा की आई थी, तो अगर इसको आप कैमरे की तरफ ज़रा कीजिएगा, अगर खोल के कवर अप कर दें। हाँ ये टोशिबा की है गाइस, अगर कैमरा मैन इसको कवर अप कर दे थोड़ा जूम कीजिएगा। ठीक हो गया जी, बताइएगा इसके स्पेक्स क्या? ये सर टोशिबा की मशीन है, कोर i5 है, थर्ड जनरेशन है, 4GB रैम है और 320GB हार्ड ड्राइव है, स्क्रीन साइज इसका 15.6 है, ये तकरीबन 29,000 में जाके मिलेगी। अच्छा, अगर मैं इसके साथ SSD लगवाता हूँ, मैं हार्ड ड्राइव नहीं लगवाता, 128 SSD लगवाता, ये मिनिमम बजट में हमने बनाई हुई है। इसी मशीन को आप चाहे 40,000 रुपये में ले जाएँ, और जो नॉर्मल बजट के मुताबिक है वो हमने इसमें 29 में इसको किया हुआ। आप कह रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जाहिर है जहाँ तक कस्टमर जाएगा हम जो IT से रिलेटेड होता है वो स्टैंडर्ड स्पेक्स चलती है, जैसे 4GB 500GB हो गया, 8GB 500GB हो गया, स्टैंडर्ड चलता है। उसके बाद कस्टमर हमें कहता है कि जी हमें 512 SSD लगवानी है या 8GB रैम लगवानी, तो उसके फिर पैसे हम उसमें ऐड, हाँ जी बजट उसमें। अच्छा आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थर्ड से आगे फोर्थ जनरेशन का अगर आपके पास करें, हमारे पास एक ही है T440 है, ये प्रोफेशनल सीरीज़ है, अल्ट्रा सीरीज़ है, ये अल्ट्रा सीरीज़ है सर, ये है कोर i4 जनरेशन है, इसमें 8GB रैम है और 500GB हार्ड ड्राइव है, ये इस वक्त बजट इसका काफ़ी हाई हुआ है, ये आपको मिलेगी 50,000 में।
ये अल्ट्रा, हाँ जी ये अल्ट्रा सीरीज है। अच्छा। अल्ट्रा मींस के पेपर ठीक हो गया, स्लिम ऑब्वियसली स्लिम होगी तो रेट भी उसका रेट ऊपर वजन भी उसका कम होगा तो रेट होगा। ठीक है, इसकी बैटरी लिथियम है? हाँ जी सर लिथियम बैटरी है इसमें। ठीक है, इसमें लिथियम बैटरी है। इसका कितना बैकअप टाइम है सर? जो मैंने इसको चेक किया हुआ 3.5-3 घंटे मल्टीमीडिया पे चेक हुई है। ठीक हो गया, लिथियम बैटरी का ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा होता है, लिथियम का ज़्यादा होता है टाइमिंग, उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है, इंटरनल होती है इसलिए, इंटरनल होती है इसलिए, और दूसरा उसमें सेल्स जो है ना वो अच्छे डाले होते हैं उन्होंने। ठीक हो, उस वजह से टाइमिंग अच्छी। इसका स्पेसिफिक मॉडल लिनोवो थिंकपैड मॉडल नंबर क्या है? थिंकपैड T440P फॉर प्रोफेशनल। ठीक हो गया, क्या स्पेक्स हैं इसके सर? ये कोर i5 4th जनरेशन है, 8GB रैम है और 500GB हार्ड ड्राइव है इसमें। गाइज ये आपको 50,000 की मिल रही है, क्योंकि अब आपको पता है कोविड की वजह से माल, आपको पता है सप्लाई डिमांड का फर्क आया हुआ, माल बाहर से आ ही नहीं रहा, शॉर्ट हुआ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आता है माल हमारा, यूएसए से आता है, तो वो सारा वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी हाई हुई हुई है। अच्छा, इससे तो अगर हम सारे मतलब हमने लैपटॉप आज कवर अप कर रहे हैं आपके शॉप के जो पड़े हैं। अब एचपी की मैं मशीन देख रहा हूँ सामने, बड़ी खूबसूरत मशीन है, बड़ी ये भी अल्ट्रा सीरीज है सर, क्लीन ये अल्ट्रा सीरीज है एचपी का, ये बड़ा प्रोफेशनल सीरीज है, ये प्रो बुक सीरीज है, ये है सर 450G3 है, ठीक है, कोर i5 6th जनरेशन 4GB रैम है और 500GB हार्ड ड्राइव है इसमें 15.6 के साथ है। सिक्स जनरेशन आपने ये 6th जनरेशन है, ये वाली आपको मिलेगी 58,000 में 6th जनरेशन का हमें मिल जाएगी। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ स्लाइटली यूज तो लग रहा है बट क्लीन पीस है और लगता है पैसे डब्बे से भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पास टाइम होता है कि वहाँ पे जैसे कोई कंपनीज है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं अपनी कंपनी के लिए 200 पीस यूज़ में उनका लग जाता है कोई 100-150 पीस, और बाकी जो जब वो अपना मूव करते हैं पाकिस्तान में तो वो जो नई मशीन्स पड़ी होती हैं वो भी साथ भेज देते हैं, इसलिए ये स्लाइटली यूज है, स्लाइटली यूज होती है बट हम यूज ही कंसीडर करेंगे क्योंकि वारंटी वगैरह नहीं है। 58,000 बोला जी सर, 58,000। उसके अलावा तो जनरेशन मेरे पास काफ़ी हाई भी पड़ी हुई है, 8th जनरेशन तक अभी अवेलेबल है मेरे पास, 9th जनरेशन भी आई थी वो रिसेंटली जैसे ही वो उसी वक्त सेल हुई थी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना शेयर हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अभी थोड़ा आगे नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं तो और भी कवर करते हैं। सर इससे पहले मैं आपको एक और मशीन दिखा दूँ, सीरीज वाइज अगर आप चलेंगे ना तो देखने वाले व्यूज़ जो हैं उन्हें भी ज़रा ओके सर। उसके बाद 6th जनरेशन के बाद ये हमारे पास एक 7th जनरेशन मशीन अवेलेबल है, ये 650G3 मॉडल है, कोर i7 7th जनरेशन है, 8GB रैम है DDR4 और 500GB इसमें हार्ड ड्राइव है। ये वाली मशीन सर जी है तकरीबन कोई 75 से 78 के दरमियान में है, ये प्रोफेशनल सीरीज़ है, ये जो पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं ये उस ऑफिसेज में ये सीरीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो ये वाली सीरीज़ ज़रा प्रोफेशनल सीरीज़ है। ये स्क्रीन साइज इसका क्या था सर? ये 15.6 है, 650G3 इसका मॉडल है, 8GB रैम है DDR4 और इसमें 500GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इसमें आप राइट नो जो ये मॉडल है इसके अंदर M.2 कार्ड जो लेटेस्ट आया जो एप्पल एयरबुक रटीना वगैरह में भी लग जाता है वो वाला कार्ड भी आप इसमें दो लगवा सकते हैं राइट नो, और SSD कह रहे हैं आप जी SSD वो SSD से ऊपर वाला मॉडल है वो वाला इसमें आप 2-3 लगवा सकते हैं जी सर, स्लॉट्स हैं। ठीक हो गया, तो क्या आपने इसकी प्राइस कितना जुर्माना था सर? ये 78 से 75 के दरमियान, 78 से 75 सेवन जनरेशन थी, और जनरेशन है कोर i7 7th जनरेशन है, कोर i7 सर जी सर, और इसमें जो प्रोसेसर लगा वो समय लेके ना होने के बराबर ही आता है, ये इसमें 3GB प्रोसेसर लगा हुआ है, 6MB हाँ जी 6MB उसमें LPT कैश है, जैसे कोई एलीट क्लास है वो इसको ज्यादा लाइक करते हैं, जैसे बॉस वगैरह कोई ऑफिस में कोई अगर मशीन रेकमेंड होती है तो वो ये वाली मशीन को रेकमेंड ज्यादा करते हैं 650 को। अच्छा, इसमें ग्राफिक का काम चल सकता है अगर वो कोई करना चाहे तो? सर ग्राफिक्स इसमें नॉर्मल ग्राफिक्स आप यूज कर सकते हैं लेकिन हाई एंड पे आप नहीं कर सकते, डेडिकेटेड कार्ड चाहिए, डेडिकेटेड ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं, उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपको रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए मशीन सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल एडिशन मशीन वो डिजाइन की हो गई। अच्छा, इसके साथ हम इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं फिर से, डेल की एक मशीन है हमारे पास, ये 8th जनरेशन है, ये जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है, ये लैटिट्यूड सीरीज है 3590, ये कोर i5 है 8th जनरेशन है, 8GB इसमें DDR4 है और 256GB इसमें M.2 कार्ड लगा हुआ है लेटेस्ट वाला, ये वाली मशीन है तकरीबन 80,000 के करीब है, ये नई मशीन है तकरीबन कोई 1,10,000 की, 1,05,000 रुपये की। बेसिकली आप लोग इसको बाय एयर मंगवाते हैं लॉट्स, किस तरह से आप इसको? हमारे जो बड़े भाई हैं वो
इसको देख रहे होते हैं, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है। मतलब अब बायर भी आती है चीज़ें, तो बायर भी आ जाते हैं, बायर भी आते हैं। लैपटॉप जितना भी आपका आता है वो ज़्यादातर बायर ही आता है जी सर। अच्छा, तो टोटल इसका आपने 80,000 में मुझे बताया, अराउंड अबाउट 80,000 में। ये डेल का स्पेसिफिक मॉडल का नाम क्या है सर? लैटिट्यूड है 3590, लैटिट्यूड सीरीज है। लैटिट्यूड सीरीज मैं सिंपल एक आपको मिसाल दूंगा, जैसे गाड़ियों में एलीट क्लास है, रेंज रोवर हो गया, ओके, इसी तरह डेल में अगर सीरीज में आप जाए ना, उनकी एक इंस्पायरॉन सीरीज काफ़ी कॉस्टली है और एक लैटिट्यूड सीरीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जितने भी गोरे अपना काम करते हैं, रेकमेंड करते हैं, वो लैटिट्यूड सीरीज को प्रेफरेबल करते हैं, क्योंकि ये मार खाने वाली मशीन है। आप इसको, इसके मतलब रिव्यूज़ उनके आते हैं कि आप इसको, ये डेड होने के बाद ही बंद होगी, अदरवाइज वैसे नहीं होगी। वो पाकिस्तान वाला चीज़ है कि जब तक बंदा मरता नहीं है उसको, सर वो बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन जब तक चल रही है टेक्नोलॉजी है, ये वेरी पावरफुल उन्होंने डिज़ाइन किया था, मदरबोर्ड भी एक लैटिट्यूड सीरीज और एक इंस्पायरॉन सीरीज, ये लाइक का रेंज रोवर कार है। अच्छा, दूसरा जो एचपी में भी इस तरह प्रोबुक की मेरे ख्याल से वो चलती है, एचपी में प्रोबुक सर, उसमें जो स्टूडेंट्स भाई हैं हमारे, वो एलीट बुक को ज़्यादा लाइक करते हैं, और जो ऑफिस में हमारे भाई हैं वो प्रोबुक को ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं। प्रोबुक और एलीट बुक दोनों सेम है, मैं ये एक कन्फ्यूजन नाम पे क्लियर करता जाऊँ। अमूमन कोई स्टूडेंट्स या भाई भी हमारे पास आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि यार एलीट बुक और प्रो बुक में फ़र्क क्या है। एलीट बुक और प्रो बुक का मदरबोर्ड, हार्ड, रैम, प्रोसेसर, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, हर चीज़ सेम होता है। एलीट बुक का मतलब है एलीट क्लास, और उसकी जो टॉप है वो उन्होंने अल्मोनियम में डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, और प्रो बुक जो सा है वो प्लास्टिक सीरीज में डिज़ाइन किया हुआ। ये बात किसी को नहीं पता, ये आम किसी को नहीं पता चलता, लेकिन वो जो बंदा काम करने वाला हो उसको तो ज़्यादा पता होता है कि जो प्रो बुक सीरीज़ है वो प्लास्टिक बेस है, और जो एलीट सीरीज़ है वो स्टील बेस है। स्टील बेस है। अच्छा, इसके अलावा अब अभी हमने 8th जनरेशन तक के लैपटॉप को कवर अप कर लिए हैं, इसके अलावा हमारे पास कौन, इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रा स्लिम में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ अल्ट्रा में अवेलेबल है 7470 लैटिट्यूड सीरीज़ में। हम बेसिकली ये प्रोफेशनल सीरीज़ को इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उन्होंने काम करना होता है, या जैसे कोई स्टूडेंट आ गया उन्होंने स्टडी वगैरह काफ़ी करनी होती है, इसलिए हम प्रोफेशनल सीरीज़ को ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं। उसमें हमारे पास एक जैसे ये मशीन है 7470 है, ठीक हो गया, ये कोर i5 है, 6th generation है, 8GB रैम है इसमें DDR4 और 256GB इसमें M.2 कार्ड लगा हुआ है, ये प्रोफेशनल सीरीज़ है। ये आपको मिलेगी 60,000 में, 60,000 में। ये 6th generation है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि एक तो नॉर्मल SSD होती है, एक M.2 कार्ड होता है, स्लॉट होती है, इसमें क्या डिफरेंस है? सर M.2 फास्ट कार्ड है, उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है टेक्नोलॉजी को शॉर्ट करते जा रहे हैं। जैसे हार्ड ड्राइव पहले स्टैंडर्ड आती थी, उसी में उसको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया SSD ट्राई के तौर पे, जब उसकी स्पीड बहुत बेहतर हो गई फिर उन्होंने M.2 को मैन्युफैक्चरिंग किया। अब M.2 से भी आगे चली गई है, वो आई है NVMe 3, उसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा फास्ट है। थोड़ा सा करीब आ जाए आप। जी जी, उसकी स्पीड उससे भी M3। हाँ जी, ठीक हो गया। मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहती है, वैसे वैसे डेवलपमेंट होती है, दुनिया डे बाय डे अपडेट कर रही है अपने आप को, और टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है। वो अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है और जो आने वाली फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आएगी वो इससे भी ज़्यादा फास्ट आएगी इंशाल्लाह। इसमें एक और टर्म यूज़ होती है, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं रीफर्बिश्ड लैपटॉप, वो क्या होता है सर? रीफर्ब भी होते हैं, ओरिजिनल ही हैं, ये भी मैं आप इस वीडियो के तवसल से इस बात को क्लियर कर देता हूँ। रीफर्ब भी ओरिजिनल ही होता है। रीफर्ब ये होता है कि जैसे किसी डेल कंपनी ने एक लॉट तैयार की 1000 पीस की, उसमें जब उन्होंने किसी कंपनी में डिलीवर किया, जैसे कोई थोड़ा बहुत उसमें स्क्रैच आ जाता है या कोई मसला आ जाता है तो वो कंपनी उसको वापस ले लेती है, रिप्लेस कर देती है। हाँ जी, वो वहाँ पे फिर अपनी उस वेबसाइट के ऊपर वो लिख देते हैं कि ये रीफर्ब है, क्योंकि वो कंपनी से वो स्क्रैच को ख़त्म किया जाता है, वो ईमानदार लोग हैं, वो उस चीज़ को लिख देते हैं कि जी रीफर्ब है। रीफर्ब का मतलब ये नहीं होता कि जी वो रिपेयर है या कोई रिपेयर हुआ हुआ है, उसकी वारंटी भी उसी तरह ही होती है सारा। रीफर्ब का मतलब सिर्फ ये है कि वो जो उसको स्क्रैच आ गया या कोई कीज़ नहीं चल रही वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, वो जिस कंपनी ने उनसे बाय किया होता है, जैसे लेट्स सपोज 100 पीस लिया हुआ है उसमें से 10 पीस ख़राब निकले हैं, वो कंपनी को 10 पीस नए दे देंगे, और वो जो उनके पास 10 बैकअप के तौर पे आए होंगे उसको वो रीफअप करके पाकिस्तान भेज देंगे या और ऑल द वर्ल्ड जिसको भी उन्होंने देना होगा वो दे देंगे। मैं समझ गया हूँ बिल्कुल, काफ़ी लोग आके बोलते हैं रीफर्बिश्ड लैपटॉप तो नहीं है ये। नहीं सर, रीफअप नहीं है, उसका बेहतरीन
बेहतरीन तरीका, लाइक जैसे मोबाइल में आप अपना IME नंबर देख लेते हैं, इसमें भी लैपटॉप में भी इसका एक IME नंबर होता है। उसकी वेबसाइट पे जाके उसका आप IME नंबर जैसे ही डालेंगे, वो मशीन आपकी इंटरनेट के ऊपर शो हो जाएगी। शो होने से मुराद ये है कि वहाँ पे वो पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी कि आया ये रिपेयर तो नहीं है, आया ये हमारे पास आई थी वारंटी में। अगर तो वहाँ पे वो वारंटी में नहीं आई होगी तो वो डेल वहाँ पे लिखेगा कि ये हमारी ओरिजिनल मशीन है, ये हमारे पास किसी मसले के लिए नहीं आई हुई थी, इसलिए वो हम अपने कस्टमर को भी सकते हैं। जी, ये हर बंदा कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, जो भाई लेना चाहें वो तरीक़ाकार, वो हर एक लैपटॉप। और मज़ेदार की बात ये है कि हर एक लैपटॉप का मॉडल और सीरियल नंबर डिफरेंट है। जैसे लिनोवो डेल का पैटर्न नहीं यूज़ कर सकेगा, या HP नहीं यूज़ कर सकेगा, इसी हर सीरियल नंबर डिफरेंट है। ये नहीं है कि सीरियल नंबर सेम होगा, तो वो अगर आप जो मशीन बाय कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर आप उसकी वेबसाइट पे जाकर डालेंगे तो वही मशीन वहाँ पे शो होगी। मैं समझ गया, इसका बैक साइड पे होता है IMEI इसका नंबर जो होता है। अमूमन लोग सीरियल नंबर को करते हैं, ठीक है, आपने सीरियल नंबर को नहीं करना। मैं आपके तवस्सुल से तमाम भाइयों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हें सिर्फ बताना, गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ कि जो सर्विस टैग होता है ना, सर्विस टैग, वो मशीन का सीरियल नंबर होता है। अमूमन हमारे पास भी कस्टमर आते हैं बास में, वो आगे कहते हैं कि जी हम सीरियल नंबर डाल रहे हैं, हमारी मशीन नहीं आ रही, तो फिर हम उन्हें गाइड करके बताते हैं कि सर ये देखिए उन्होंने टैग नंबर लिखा हुआ है, टैग नंबर का जो सीरियल नंबर है वो आप जैसे ही वहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपकी मशीन इंटरनेट के ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल, हो गया। अच्छा, अभी कोई लैपटॉप रह गया जो हमने कवर अपना किया हो? हमने मतलब काफ़ी तो कर लिए, पूरी वैरायटी। ये तो एक समंदर है, समंदर है। आप सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह करते रहे तो हम थक जाएंगे, मगर टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी। मैं तो डूब जाऊंगा, आप तो डूबे हुए हैं। नहीं सर जी, वो हमारी तो फील्ड है ना, हमें तो इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन अब वो कोई भाई आएंगे हमारे पास बैठेंगे तो फिर हम उन्हें वैरायटी दिखाएंगे। इस तरह काफ़ी कवर हो चुका है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास तो माशाल्लाह काफ़ी माल पड़ा हुआ है, आप जो जो कहेंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। जी, तो आपका एड्रेस क्या है शॉप का? सर मैं सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, हमारी शॉप थी हफीज़ सेंटर में, थर्ड फ्लोर पे। तो हफीज़ सेंटर सानिए के बाद हमारी शॉप बंद हो गई, उसमें हमारा टोटली लॉस हो गया था, कोई चीज़ नहीं बची। लेकिन वो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वाला साहब भी अक्सर एक शेर कहा करते थे कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमने इन तमाम भाइयों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से दोबारा इस काम को स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह हमारी शॉप दोबारा वहाँ पे तैयार होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो यहाँ पे मैं अपनी जो हमारी एक लीडरशिप है वहाँ पे, खिदमत ग्रुप, मैं उनको भी ख़ास तौर पे करना चाहूँगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे जाएँ। इसलिए जो राइट नो हमारी शॉप है वो है सर गुलबर्ग 3 में, अल लतीफ़ सेंटर है सर, उसमें फर्स्ट फ्लोर 6 नंबर शॉप है सर, रिजटेक कंप्यूटर। रिजटेक मीन्स रिजवान भाई, रिजवान भाई मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के बाद उनकी बदौलत हूँ। तो ये उनकी शॉप है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे 6 नंबर शॉप है, तो इंशाल्लाह जो भाई भी आना चाहे विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे, जो भी मेरे लायक खिदमत होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, IT से किसी किस्म के कोई रिलेटेड भी हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए। अच्छा भाई साहब, वो आपसे रابطہ किस तरह करेंगे? आप अपना नंबर बता दें ताकि लोग आपसे रابطہ कर सकें। सर नंबर, यार नंबर तो खैर अभी भी आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, मेरा एक कॉल आ रही है तो मैं नहीं अटेंड कर रहा, कॉल तो हम खैर अटेंड कर लेते हैं, उसमें मैं आपको अपने बड़े भाई का नंबर दे दूंगा इंशाल्लाह, आप आएँ, मैं अपने बड़े भाई का नंबर आपको दे देता हूँ। वो नंबर उनका है जी 0333-4284715, रिजवान भाई का नंबर है, ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, ये इसको कार्ड को जरा आप कैमरे की तरफ कर दें ताकि लोग ना इसकी पिक्चर ले लें। वैसे अगर आप अपने हाथ में, मैं आपके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, हम तो चले इंटरव्यू देते हैं, आप तो रोज करते हैं माशाल्लाह। नहीं भाई साहब, आप आज के बाद आप भी मशहूर हो जाए। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह अल्लाह ने की ज्यादा चाहे तो जरूर होंगे सर। ये गाइस इनका नंबर है और शॉप का एड्रेस इस पे मेंशन है। आपको किसी तरह का लैपटॉप चाहिए, सिस्टम चाहिए, LED चाहिए, LCD चाहिए, से रिलेटेड सर, IT से रिलेटेड किस किस्म की भी कोई चीज़, कोई सर्विस आपको चाहिए तो हम आपको आप डोर स्टेप पे भी वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लैपटॉप से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, LCD से, कीबोर्ड, माउस, व्हाटएवर, जो भी IT मीन्स के इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, उसमें आपको किसी किस्म की कोई चीज़ भी चाहिए हो तो आप ज़रूर हमारी शॉप पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको आपका इत्माद
ही हमारा सब कुछ है और हम आपका इत्माद नहीं टूटने देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आज का व्लॉग आपने देख लिया होगा, ये बेसिकली अल लतीफ़ सेंटर में इनकी शॉप थी, शॉप नंबर 6 जो है एड्रेस है इनका, रिस्ट टेक के नाम से ये माना जाना ब्रांड है, पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। इनकी पहले हफीज सेंटर में शॉप थी, वो सानहे की वजह से ये इधर शिफ्ट हो गए, बाकी जब इनकी शॉप हो जाएगी वो उधर दोबारा भी ये जा सकते हैं। ठीक है, आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अभी आपका होस्ट राणा जवाद बस रिस्क चेक से इजाज़त चाहता है, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।